क्यों टीवी भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बदायूं ज़िले के मंदिर परिसर में एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतर आई है और एसडीएम के माध्यम से सूबे के राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जाँच की मांग की और गुनाहगारों को फांसी की मांग की। आइए चलते हैं खबर की ओर। सर, हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएं। जो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और उनको सिक्योरिटी दी है, वही हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये सिक्योरिटी मिले। हमें महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे, उनमें निगरानी में रहेंगे, ये सब क्राइम नहीं होंगे जी। अब आगे की क्या प्रक्रिया आपकी? सर, आगे की प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी और ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। हमारी पूरी आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, महिलाओं के साथ, और महिलाएँ अपना हक मांग के रहेंगी। आपको सवाल में ज्ञापन दिया है, आपकी क्या क्या मांगे हैं ज्ञापन में? ऐसा है, जैसा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, और अभी बदायूं में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 50 वर्षीय महिला को, जो मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, उसको हवस के दरिंदों ने अपना शिकार बनाया और उसकी निर्मम हत्या की। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाहिर हुआ है कि किस तरह से उसकी हत्या की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये मामला यह है जो बदायूं में अभी एक कांड हुआ है 50 वर्षीय महिला के साथ। हम उसके लिए महिलाओं के साथ आज यहाँ पे आईटीएम साहब के आए और हमने ज्ञापन दिया और हम योगी सरकार की आँखें खोलना चाहते हैं कि उसको आँखें खोल कर देखें। महिलाओं के साथ जो सुरक्षा देने की बात कर रहे थे, और आज इनके ही लोग, यही लोग और मंदिरों में ये लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इनको सुरक्षा मिले और महिलाओं को सिक्योरिटी मिले, यही हमारा मांग है। और हमने राज्यपाल महामहिम